आप देख रहे हैं इस जनमत आवाज श्रेय की होड़। बुरहानपुर जिले के भावसा में 159,52,00,000 की भावसा मध्यम सिंचाई परियोजना को लेकर नेताओं में जुबानी जंग चल रही है। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बता रही है, तो वहीं इसे लेकर बुरहानपुर विधायक ने वीडियो बयान जारी कर कहा है कि कमलनाथ की 15 माह की सरकार में तत्कालीन सांसद स्वर्गीय नंदू भैया के कहने पर 8 करोड़ की राशि दिलाई गई थी, नहीं तो यह योजना आगे नहीं बढ़ती। यह दोनों नेता भाजपा कांग्रेस से अपनी दावेदारी जता रहे हैं और इन 25 गांवों के किसानों को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री का कहना है कि 15 माह की कांग्रेस सरकार में यह काम पूरी तरह से बंद पड़ा था, इसे सिकुआ शिकायत कर बंद कर दिया गया था। भाजपा की सरकार में फिर से इसे गति मिली। पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस बोली, सूचना के अधिकार में निकाले जानकारी पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस ने कहा, जो जानकारी चाहिए आप मुझसे ले या सूचना के अधिकार में सारी जानकारी निकाले कि यह कब स्वीकृत हुआ। 2018 से लेकर 21 तक यहाँ का कॉन्ट्रैक्टर काम शुरू नहीं कर पा रहा था। 2018 में वर्क ऑर्डर होने के बाद काम शुरू होने की क्या वजह रही, मुझे यह बताते हुए बहुत कष्ट हो रहा है कि सारे क्लियरेंस होने के बाद भी यह योजना 15 माह की कांग्रेस की सरकार में अटकी रही। आज हम सब यहाँ जल तीर्थ यात्रा करने आए हैं और ये बुरहानपुर जिले की पहली मध्यम सिंचाई योजना है, या यूं कहूं कि सबसे बड़ी सिंचाई योजना है बुरहानपुर जिले की। और मैं अभिभूत हूं कि इतना मुश्किल काम, इतना कठिन काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव था और इसकी साध्यता 2011 में मिली। इसका सर्वे करने की फॉरेस्ट क्लियरेंस पहले 12 में मिली, फिर कुछ 13 में हमें मालवीर पंचायत से फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत जो जरूरी कागज थे वो हमें उपलब्ध हुए और इसकी DPR बनकर इसके नक्शों के अप्रूवल करते करते इसका जो प्रशासकीय अनुमोदन है वो 2017 में प्राप्त हो चुका था। और 2017 में प्रशासकीय अनुमोदन होने के बाद ये लगभग 159 करोड़ से अधिक लागत की योजना है। और इस योजना का बुरहानपुर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह सेहरा ने कहा, यह बयान का वीडियो जारी कर कहा कि कमलनाथ ने दिए 8 करोड़ तब हुए टेंडर। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह सेहरा ने कहा कि 15 माह की कमलनाथ की सरकार थी तब भावसा डैम के लिए नंदू भैया ने मुझसे कहा कि आपकी सरकार से कहकर फॉरेस्ट के जो 8 करोड़ रुपये पेंडिंग है वह दलवा दो। तब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, उनसे कहकर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने के एक दिन पहले 8 करोड़ कमलनाथ जी ने डलवाए थे। इसके साक्ष्य हमारे पास मौजूद है। तब कहीं जाकर इस डैम के टेंडर हुए और काम चालू हुआ, नहीं तो परमिशन ही नहीं मिली थी। भाजपा की सरकार में यह योजना कागजों पर थी, भाजपा वाहवाही लूटने का प्रयास कर रही है। आइए देखते हैं। फुर्सत में हमको कुछ काम नहीं है, कुछ भी बातें करते रहती है, उसके लिए मैं कोई एफआईआर लिखा नहीं सकता, उनके क्रॉस कर नहीं सकता। ऑथेंटिक चीज है ना ये, मैं बोल रहा हूँ, आप तो पता करो उसका कि कौन सी तारीख को 8 करोड़ ट्रांसफर है, उस तारीख को सरकार आप पैसे कितने डलवाए, फिर आपने पैसे क्यों नहीं डलवाए, आपने पुनासा का पानी बुरहानपुर सिंचाई के लिए लाया क्यों नहीं अभी तक किसानों के लिए, आपने वो ताप्ती मेगा रिचार्ज कहाँ चालू है, तुमने कुछ किया क्या सरकार ने, आपने क्या करवाया सरकार से, आपने तो स्पिनिंग मिल रुकवा दी हमारी कॉपरेटिव बनने से, आपने तो हमारा मेडिकल कॉलेज रुकवा दिया, आप काम करवाना चाहते हो कि काम रोकना चाहते हो, जानते हो खोखले के बिल्कुल है ही नहीं, लाओ यार, इनकी मंशा ही नहीं है काम की, इनका कोई सपना ही नहीं है, इनका कोई विजन नहीं है।